जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अर्बन जीके स्टडी में। इस वीडियो में हम जानेंगे जनरल नॉलेज से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में जो आपको टॉप 25 एमसीक्यू होने वाले थे। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, सारे प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट होने वाले। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका सबसे पहला प्रश्न होगा क्वेश्चन नंबर एक, भारत का आइंस्टीन आपको किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपको, भारत का आइंस्टीन आपको किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला नागार्जुन को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर दो, अलाउद्दीन खिलजी के समय मेवाड़ का शासक कौन था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपको, अलाउद्दीन खिलजी के समय मेवाड़ का शासक आपको ऑप्शन नंबर डी वाला राणा रतन सिंह आपको मेवाड़ का याद रखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के समय मेवाड़ का शासक आपको राणा रतन सिंह थे। नेक्स्ट ईयर बढ़ेंगे, नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर तीन, पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किसने किया था। जो पंजाब में आपको अमृतसर नगर की स्थापना किसने करी है, तो गुरु रामदास ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, गुरु रामदास ने अमृतसर की स्थापना की है। नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर चार, पुर्तगाली संस्कृत के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं। तो पुर्तगाली संस्कृत के जो अवशेष है आपको भारत में कहाँ पाए जाते हैं, तो गोवा राज्य में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, आपको गोवा राज्य में पुर्तगालियों की संस्कृति का अवशेष आपको पाया जाता है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर पाँच, गांधी जी ने किसे देशभक्तों का राजकुमार कहा है। आपको गांधी जी ने किसे देशभक्तों का राजकुमार कहा है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का राजकुमार कहा है। नेक्स्ट ईयर बढ़ेंगे, नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर छः, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन बना था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपको, जो स्वतंत्र भारत के पहला भारतीय गवर्नर जनरल बनाए गए थे, तो ऑप्शन नंबर डी वाला सी राजगोपालाचारी को आपको स्वतंत्र भारत के ये पहले भारतीय गवर्नर बने थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर सात, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के आपको लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी वाला जवाहरलाल नेहरू। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको, जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया के ये लेखक थे। नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर आठ, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन आपको किस राज्य से या किस शहर से शुरू हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला मुंबई से आपको शुरू हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन। हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर नौ, भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपको, भारतीय संसद के आपको कितने अंग होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, आपको तीन अंग होते हैं भारतीय संसद के, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति। इंपोर्टेंट इस प्रश्न को आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर दस, भारत में सिक्के से किस धर्म की जानकारी मिलती है। भारत में आपको सिक्के से किस धर्म की आपको जानकारी प्राप्त होती है, तो वैष्णव धर्म की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, आपको वैष्णव धर्म की आपको भारत में सिक्के से जो है जो जानकारी मिलती है वो वैष्णव धर्म की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 11, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत के किस सिटी को, किस शहर को मैनचेस्टर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, याद रखेंगे अहमदाबाद को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, आपको भारत का मैनचेस्टर आपको अहमदाबाद को कहा जाता है। सारे प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि हमारे चैनल पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट ईयर बढ़ेंगे, नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। आपको राष्ट्रीय बालिका दिवस आपको प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है, 24 जनवरी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, आपको 24 जनवरी को आपको राष्ट्रीय बालिका दिवस आपको प्रतिवर्ष भारत में मनाया जाता है। नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 13, संविधान का रक्षक किसे बनाया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको, संविधान का रक्षक किसे बनाया गया है, तो याद रखेंगे उच्च न्यायालय को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, आपको उच्च न्यायालय को संविधान का रक्षक बनाया गया है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 15, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था। आपको जलियांवाला बाग में जो गोली चली थी वो आदेश किसने दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला जनरल ओ डायर ने आपको जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आदेश दी थी। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 16, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपको, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए वाला मुंशी प्रेमचंद्र को
कलम का सिपाही कहा जाता है। सारे प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दी हमारे चैनल पे पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संघ की राज्य भाषा क्या है। भारतीय संघ की आपको राज्य भाषा क्या है, राजभाषा आपको हिंदी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संघ की राजभाषा आपको हिंदी है। नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 18, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न, ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया। इंपॉर्टेंट है आपको ऑप्शन नंबर ए वाला, 326 ईस्वी पूर्व में। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको, 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने आपको भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 19, असहयोग आंदोलन का शुभारंभ कब हुआ था। असहयोग आंदोलन का आपको शुभारंभ कब हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी वाला, 1920 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है 1920 ईस्वी में आपको असहयोग आंदोलन का शुभारंभ हुआ था। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है। आपको भारतीय रेल नेटवर्क का आपको एशिया में कौन सा स्थान है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला फ्रेंड्स, याद रखेंगे दूसरा स्थान है भारतीय रेल नेटवर्क का आपको एशिया में, याद रखेंगे एशिया में दूसरा स्थान है और विश्व में भारतीय रेल नेटवर्क का चौथा स्थान आता है, वो विश्व में और एशिया में दूसरा स्थान आता है। दोनों प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 21, भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है। जो भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है आपको याद रखेंगे लखनऊ, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। भारत का सबसे व्यस्त रेलवे नेटवर्क का आपको जो स्टेशन है वो आपको लखनऊ है। नेक्स्ट और बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 22, काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे। बीबीआई प्रश्न आपको, काकोरी ट्रेन डकैती के जो नायक थे याद रखेंगे राम प्रसाद बिस्मिल, आपको काकोरी ट्रेन डकैती के ये क्या थे, नायक थे। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 23, अबूजा किस देश की नई राजधानी। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको, अबूजा किस देश की आपको नई राजधानी है, तो नाइजीरिया की, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आपको नाइजीरिया की राजधानी आपको अबूजा है। नेक्स्ट और बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 24, भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल आपको सबसे कम रहा है। इंपॉर्टेंट है भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल आपको सबसे कम रहा है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल आपको, जो भारत के राष्ट्रपति थे जिनका सबसे कम कार्यकाल आपको रहा है वो डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 25, फूलबाई माता का मंदिर किस ज़िले में स्थित है। फूलबाई जो माता थी उनका जो मंदिर है वो किस ज़िले में है, तो याद रखेंगे चित्तौड़गढ़ ज़िले में आपको फूलबाई माता का जो मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ ज़िले में है। तो सारे प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट थे एग्जाम से रिलेटेड। तो मैं ऐसा वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो पसंद है वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पहली बार, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि किसी वीडियो का PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।